करती है उसे असंयुक्त हस्त मुद्राएं कहते हैं। और संयुक्त हस्त मुद्राएं किसे कहते हैं? जो आकृतियां दो हाथों का उपयोग करके बनाई जाती है उसे संयुक्त हस्त मुद्राएं कहते हैं, है ना? यस। तो हमने अभी तक कौन सी मुद्राएं सीखी है? असंयुक्त हस्त मुद्राएं। और हम आगे भी सीखने वाले हैं असंयुक्त हस्त मुद्राएं, है ना? ओके। तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल डू रिविजन ऑफ असंयुक्त हस्त मुद्राएं। ओके, सो कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट विद मैम। यू ऑल हैव टू डू विद मैम। ओके, यस। सो टेक योर पोजीशंस। यस, पत्ता का, त्रिपत्ता का, अर्धपत्ता का, कर्तरी मुखा, देन नेक्स्ट वन मयूरा, अर्धचंद्रा, देन अराल, सुकृतिंडा। यस, देन उसके बाद है मोष्ठी, शिखर, देन कपित्थ, कटकामुख। हियर वी ऑल कैन सी कटकामुख। यस, देन नेक्स्ट वन सूची, चंद्रकला, पद्मकोश, एंड देन सर्पशीर्ष, सर्पशीर्ष। यस, देन नेक्स्ट वन है मृगशीर्ष, मृगशीर्ष, सिंहमुख, सिंहमुख, देन कांगुल। कांगुल के बाद कौन सी मुद्रा आएगी? कांगुल एंड अलपद्मा। दिस इज अलपद्मा। हमने अलपद्मा तक सीखा है ना? यस। भी हम आगे कौन सी मुद्रा देखने वाले हैं? यस, ओके। सो नेक्स्ट वन इज चतुर, चतुर। यस, ये जो थ्री फिंगर्स है ना हमारी, उसके यहाँ थर्ड फिंगर के नीचे ये थंब को टच करेंगे, ओके? और ये जो लास्ट फिंगर है बेबी फिंगर, उसे खुला छोड़ देंगे। दिस इज चतुर। चतुर मीन्स क्लेवर। अगर कोई क्लेवर है, किसी की चतुराई के बारे में हमें बताना है, तो हम ये मुद्रा का उपयोग करेंगे। दिस इज चतुर। हियर यू ऑल कैन सी दिस इज चतुर। देन भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर मीन्स क्या होता है? ब्लैक बी। यस, बी क्या करती है? यस, सो दिस इज भ्रमर। ब्लैक बी दिखाना होगा। अगर बी हमें परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाना होगा, देन वी विल यूज दिस मुद्रा। दिस इज भ्रमर, ब्लैक बी। यस, देन नेक्स्ट वन इज हंसस्य। हंसस्य मीन्स क्या होता है? हंसस्य, हंस, हंस मीन्स स्वान। यस, सो स्वान की बिक, स्वान्स बिक, स्वान की जो चोंच होती है, बिक होती है, उसे हंसस्य, हंस की चोंच दिखानी है, स्वान की चोंच, बिक दिखानी है, देन वी विल यूज हंसस्य दिस मुद्रा। ओके, दिस इज हंसस्य। उसके बाद है नेक्स्ट वन हंस पक्ष। हंस पक्ष क्या है? दिस इज हंस पक्ष। हंस पक्ष मीन्स विंग्स ऑफ स्वान। यस, स्वान के विंग्स होते हैं ना? यस, जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। सो स्वान के विंग दिखाने के लिए वी विल यूज दिस मुद्रा। दिस इज हंस पक्ष, हंस पक्ष, हंस पक्ष। यस, तो आज हमने कौन सी नई चार मुद्राएं सीखी बच्चों? हाँ, चतुर, देन चतुर, देन भ्रमर, भ्रमर, हंसस्य, एंड हंसस्य के बाद कौन सी थी? हंस पक्ष। चतुर, भ्रमर, हंसस्य, एंड हंस पक्ष। यस, सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप रिमेंबर ऑल दिस मुद्रास। अगर हमें कभी भी डांस बिठाना होता है, डांस पे एक्शंस बिठानी होती है, कोई सॉन्ग पे एक्शंस बिठानी होती है, देन वी कैन यूज ऑल दिस मुद्रा। पर कब कर सकते हैं? अगर हमें वो मुद्राएं पता है, हम
हमें उनका मीनिंग पता है तो हम ये खुद से कर सकते हैं, है ना। सो कीप प्रैक्टिसिंग माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।